हेलो फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं ये अबनपुर के पास बना हुआ ओवर ब्रिज है। ये दुर्ग विशाखापट्टनम जो रोड है उसका ओवर ब्रिज बना हुआ है। अभी इसमें काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप देख रहे होंगे ये अभी नया 6 लेन रोड बना हुआ है। यह रोड देख सकते हैं आप, आगे आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए ये पूरा रोड अभी जो बगल में देख रहे हैं ये अभी अभी बना हुआ है। अभी और भी काम चल रहा है। अभी इस काम को बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है। अभी बीच में बंद था पर अब काम बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ है और अभी यह काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है वो भी। आगे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर पूरा रोड बन चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ये 6 लेन रोड। आगे आप देखिए और आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पूरा वीडियो में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर अभी रोड बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि यह रोड सीमेंट कंक्रीट रोड है जो 50 वर्ष से अधिक तक टिकता है और इसमें मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी पूरा सीमेंट कंक्रीट का लेयर भी बिछा हुआ है। इसके ऊपर फिर 1 फीट की कंक्रीट की लेयर होगी। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी मरून बिछ रहा है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम अभी हुआ है, चालू हुआ है। यहाँ पर पुरानी रोड थी जहाँ पर आप मरून देख रहे हैं, वहीं पर अभी उखाड़ के उसमें मुरुम का काम बहुत तेज़ी से किया गया है। अब आगे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ओवर ब्रिज दिख रहा है आपको ऊपर, यह रेलवे का ओवर ब्रिज है। ऊपर से रेलवे जाएगी जो नया रायपुर राजिम धमतरी के लिए जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से रोड पूरा बनाया गया है ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और काफ़ी हद तक काम पूरा कर लिया गया है। ये 1 साल में करीबन इस एरिया में कम से कम अभन रायपुर से अभनपुर तक का एरिया कंप्लीट कर लिया जाएगा। वैसे अभनपुर से धमतरी तक पूरा रोड करीबन कंप्लीट होने वाला है और इस एरिया में भी अभी रोड कंप्लीट होने की संभावना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा मशीन वशीन गाड़ी वाड़ी सब लगी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मशीन दिख रहा है इसी से सीमेंट कंक्रीट की ढलाई की जाती है और रोड को आसानी से पूरा किया जा सकता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।